and we will start our discussion for today. Okay, let's begin. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सति गौर भक्ति वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। ओके सो वंस अगेन वेलकम वेलकम एवरीवन और इट्स नाइस टू सी एवरीवन ऑफ यू। यस आई एम इन वृंदावन राइट नाउ, गुड गेस। सो अ वार्म वेलकम एवरीवन एंड टुडे इज द लास्ट सेशन ऑफ द मैनुअल्स फॉर लाइफ। And after that, what course are we going to begin? What things we are going to discuss? I will let you know. And going forth, just a quick revision to every one of you. The first session, aap sabko yaad hoga, search for happiness. Jisme ki humne aapse discuss kiya tha kafi detail mein. What are the five levels of happiness we have? Second one was the identity of a soul. The who we are actually. What is our identity? Ye discuss kiya tha. The third one was that yesterday was discussed by Murali Krishna Prabhu. That was intelligent design. कि मैं हूँ तो भगवान है और हमारे आपस में मेरे जीवन में basically भगवान अगर हैं तो क्या उससे कोई फर्क पड़ता है, कोई लेना देना है? Does it makes any difference in life? And why is it important to know scientifically about God? एक बात है कि ठीक है श्रद्धा की बात है, विश्वास की बात है, हमने कर लिया, लेकिन finally point ये भी है कि खाली श्रद्धा से ही काम चल जाएगा कि हमें कुछ उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी लेना जरूरी है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रभु जी ने समझाया था कल कि व्हाट इज दैट इंटेलिजेंट डिजाइन, उसमें हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या है ना, ऑल दोस थिंग्स आर देयर, आवर ऑब्जर्वेशन, द साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस, और फिर फाइनली हमारी प्राइम ड्यूटी क्या है, इतना कुछ जानने के बाद। लेकिन आज जो हमारा डिस्कशन है ये और थोड़ा साइंटिफिक पहलू भी जाएगा कि अगर हम सब इस बात को माने या ना माने, है ना, जैसे भी है तो ओके। जस्ट वन मिनट। ओके ओके द वॉइस इज कम। ठीक है, अब बीच बीच में इस तरह से डालते रहिएगा। सो आई विल जस्ट ट्राई टू चेक माय इंटरनेट। सो इन दैट रिगार्ड आज का जो सेशन था दैट्स कॉल्ड एज मैनुअल्स फॉर ह्यूमैनिटी। खास करके जो भगवान की बात जहाँ पे आती है ना, तो भगवान के विषय में जब हम अप्रोच करते हैं तो हमें बहुत ही एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए चीज़ों का। बिकॉज भक्ति खाली एक भावनाओं का या खाली एक फीलिंग्स का विषय नहीं है, इट्स अ वेरी साइंटिफिक थिंग, एक बहुत ही वैज्ञानिक चीज़ है ये। और वैज्ञानिक चीज़ों में जितना हम एक बुद्धिमानी के साथ जाते हैं ना, उतना हमारा बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग होती है इसको लेकर के। आज जो मैनुअल्स ऑफ ह्यूमैनिटी डिस्कस करेंगे, इसमें प्राइमरी हम देखेंगे कि हमारे क्या सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं, हम किन तरीकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, और कैसे वो ज्ञान जो कि हमारे लिए ऋषियों ने और बड़े बड़े सेजेस छोड़ के गए पास्ट में, उसका कितना रेलेवेंस है ये देखेंगे। सो टुडेज टॉपिक मैनुअल्स ऑफ ह्यूमैनिटी, लेट्स गो एंड सी एवरीथिंग इज देयर। ओके इनडिफिटेबल वैदिक ट्रूथ्स, राइट। आप सब जानते होंगे जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, इनके आविष्कार से पहले नॉर्मली माना जाता था कि प्लांट्स में जीवन नहीं होता है, बट व्हेन 1905 ही डिस्कवर्ड एंड गॉट द नोबेल प्राइज ऑल्सो दैट यस द प्लांट्स ऑल्सो हैव लाइफ। तो प्लांट्स में जीवन है ये बातें बहुत वर्षों पहले वैदिक ग्रंथों में लिखी गई और बोली गई हैं। एम्ब्रियोलॉजी का कंसेप्ट, एक गर्भ कैसे अपने माँ के गर्भ में ग्रो करता है, भ्रूण गर्भ में कैसे ग्रो करता है, बढ़ता है 9 महीने तक, उसका एक बहुत ही साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन भागवतम 3rd canto में। आज समाज काउ डंग काउ प्रोडक्ट्स के ऊपर कर रहा है, आज सोसाइटी में आयुर्वेद, वैदिक मैथ्स, योगा, वास्तु, ऑर्गेनिक फार्मिंग और नाना प्रकार की कितनी सारी चीजें हैं जिसको कि हम सब डेवलप कर रहे हैं दुनिया में, राइट। एक्चुअली ये सब शास्त्रों में पहले से दी हुई हैं बुक्स, बट वी आर डेवलपिंग इट, वी आर डिस्कवरिंग इट राइट नाउ, सॉरी फॉर दैट, नॉट डेवलपिंग, डिस्कवरिंग इट फॉर राइट नाउ। एंड दे हैज बीन स्पोकन वेरी वेरी लॉन्ग बैक, वैदिक मैथ्स अपने आप में
जैसे ये देखिएगा एक तरीका इस वैदिक मैथ्स को जानने का, अगर आप ये मल्टीप्लाई करें 1, 2, 3 × 3, 21, सो व्हाट डज इट मेक. ओके सो आई डोंट हैव द ऑडियो ऑफ दिस वीडियो, सो इसमें एक सिंपल मल्टीप्लीकेशन करने का एक तरीका है. सो इससे पूरे के पूरे जो हमारे वो होंगे ना आगे आएंगे जितने भी वीडियोस, सो विल ट्राई टू शेयर विथ यू सो दैट यू कैन सी इन दिस फ्री टाइम, इनको देख सकते हैं क्योंकि सेशन में वीडियोस बहुत सारी हैं जो आपको समय समय पर दिखाएंगे कितने सारे डिफटिगेबल इनडिफिटिबल टूल्स हैं. सो आई एम जस्ट स्किपिंग यू पार्ट. ओके सो डिस्कवर मैनर्स ऑफ लाइफ, इसमें हम प्राइमरी डिस्कस करेंगे 6 blind men and 1 wise man स्टोरी, 3 ways टू गेन नॉलेज, 4 defects दैट लीड टू इम्परफेक्ट नॉलेज, साइंटिफिक रिसर्च कैन इट ऑफर कंप्लीट नॉलेज, एंड देन वी हैव दिस नेक्स्ट वन आल्सो, वेदास ऑफर परफेक्ट एंड कंप्लीट नॉलेज दैट इज देयर. ओके सो दीज आर सम ऑफ द की एलिमेंट्स वी ऑल आर गोइंग टू डिस्कस फॉर टुडे. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, द स्टोरी ऑफ द 6 blind men एंड द 1 wise man स्टोरी. सो एक ही बार की बात है कि एक बार गांव में एक बार हाथी आया, और हाथी जब आया तो हाथी को जानने के लिए 6 सबसे बुद्धिमान लोगों को चुना गया, और ये 6 बुद्धिमान लोग कौन थे, 6 के 6 लोग अंधे थे. तो ये अंधे लोगों को जाके ये देखना था कि हाथी क्या होता है, और गांव के सरपंच जी के आगे आके उनको रिपोर्ट देनी थी कि ये जो हाथी है हाथी क्या चीज़ होती है, हाथी क्या है, उनको रिसर्च करना था हाथी के ऊपर. तो सभी के सब आए, और ये 6 के 6 लोगों ने क्या किया, अलग अलग पार्ट्स बॉडी के टच करने शुरू किए हाथी के. 6 लोग हाथी के 6 अलग अलग हिस्सों को टच कर रहे हैं, और ये 6 हिस्से आपको दिख सकते हैं, राइट. सो दिस 6 parts ऑफ द बॉडी, टस्क, ट्रंक, ईयर, स्टमक, लेग्स एंड टेल, ये 6 लोगों ने 6 चीजें पकड़ी, और 6 ने 6 चीजें पकड़ी तो इनके 6 different कंक्लूजन थे उसको लेकर के. जैसे पहले वाले ने जब पकड़ा सूंड तो उसको लगा क्या कि मैंने सांप को पकड़ रखा है, क्योंकि उसने सांप का एक्सपीरियंस पास्ट में किया था. तो उसको लगा कि हाथी कुछ ऐसी चीज हो सकती है ना जो कि सांप से मिलती जुलती चीज है, सांप से कुछ मिलती जुलती. पीछे वाले ने जब पूंछ पकड़ रखी थी तो उसको लगा कि अच्छा अच्छा सांप का मतलब कुछ इससे संबंध है हमारा, रस्सी से, रस्सी है. जब वो व्यक्ति जो ऊपर चढ़ा हुआ था उसने सोचा कि लगता है कि जो हाथी है ना ये कुछ कुल्हाड़ी की तरह कुछ चीज है, क्योंकि उसने कान पकड़ रखी थी, कुल्हाड़ी या कोई तेज धार की चीज है, कुछ ऐसी चीज लग रही है मुझे. तो उसने जब चौथे वाले नीचे खड़े होकर पेट छुआ तो उसको लगा लगता हाथी कुछ ना दीवार से संबंधित चीज है. और पांचवा व्यक्ति जब उसने टस्क को पकड़ रखा था तो उसने क्या देखा कि अच्छा अच्छा हाथी का मतलब तीर से संबंधित कोई चीज है. और छठा व्यक्ति जिसने पैर पकड़ा था उसने सोचा कि वो लगता है पेड़ का तना है, पेड़ हाथी को बोलते हैं. तो इन 6 के 6 लोगों के जो अपने उनके पास्ट के अनुभव थे, पिछले अनुभव थे, जिसमें कि व्यक्ति ने रस्सी जानता था, हाथी जानता था, उसी प्रकार से वो पेड़ जानता था, सांप जानता था, धनुष तीर जानता था और कुल्हाड़ी जानता था, जब ये सब चीजों को वो जानता था तो इसी चीज को जिसको जानता था उसी से वो हाथी को कंपेयर करने लगा, और कंपेयर करके समझने लगा कि अच्छा अच्छा ये चीज होती है जो हाथी कहलाती है. 6 के 6 अंधे लोगों ने 6 different features को टच किया हाथी की, और 6 different features को टच करके उन्होंने ये कंक्लूड कर लिया कि हाथी यही चीज होती है. और इन आपस में 6 के झगड़े भी हो गए, एक कहने लगा नहीं रस्सी है, दूसरा कहने लगा सांप है, एक ने कहा नहीं तीर है, दूसरे ने कहा नहीं भाला है, एक्स है, एक ने बोला नहीं दीवार है, दूसरे ने बोला नहीं पेड़ है. आपस में बहस, कंक्लूजन कुछ नहीं, 6 के 6 मतों में भिन्न, 6 of 6 of them डिफरेंट इन देयर ओपिनियन. अब आप विचार करिए, सोचिए कि कैसे एक इन 6 लोगों को एक परफेक्ट नॉलेज मिल सकती है जिससे कि वो जान सकें कि हाथी क्या होता है, व्हाट इज एन एलिफेंट. सो व्हाट डू यू से, यू कैन ऑल राइट डाउन ऑन योर चैट बॉक्स सम आइडिया कि व्हाट कुड बी द वे, है ना, जिससे कि इनको क्या हो 6 के 6 लोगों को बिल्कुल सही समझ में आ सके कि क्या हाथी है, कैसे हाथी चलेगा, कैसे हाथी पता चलेगा. यस, सम ऑफ योर ओपिनियंस, हम्बल जो भी उन्हें बताएगा, सभी के मतों को मिला दिया जाए तो तब तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, 6 को मिला दिया तो. सोच के, ओके, नॉलेज शेयर करके, गुड. और
आंखें दे करके। हाँ बहुत बढ़िया। लाइक वी से आधी अधूरी जानकारी बेहतर होती है देन दे शुड नो अबाउट ऑल द बॉडी पार्ट। ओके गुड। सबको सारे अपनी नॉलेज शेयर करेंगे। हाँ लेकिन सारे 6 के 6 शेयर करेंगे तो झगड़े ही हो जाएंगे क्योंकि 6ों के मत अलग हैं। 6 के 6 एक डिफरेंट डायरेक्शन में बातें कर रहे हैं। गुड गुड, बहुत अच्छा ओपिनियन है आप सभी का। सो लेट्स ट्राई टू आंसर दिस। इसको आंसर हम करेंगे लेकिन अभी नहीं, एट द एंड ऑफ अ सेशन। सेशन के अंत में आपको बताएंगे इसको प्राप्त करने का क्या तरीका है क्योंकि आज के हमारे सेशन से बहुत ज्यादा गहरा संबंध है इस एग्जाम्पल का, इस स्टोरी का, 6 blind men। राइट, लेट्स गो मोर। 3 ways ऑफ गेनिंग नॉलेज, ध्यान से समझिएगा। फिलॉसफी को हिंदी में बोलते हैं दर्शन शास्त्र। किसी भी चीज से कोई जब आप जानना चाहते हैं ना तो उसके पीछे एक दर्शन होता है, कैसे उसको समझा जाए, कैसे उसको जाना जाए। तो उस दर्शन शास्त्र में एक चीज होती है, इंग्लिश में उसको वन सेक्शन ऑफ स्टडी, उसको एपिस्टेमोलॉजी बोला जाता है, द वे ऑफ गेनिंग नॉलेज। इस संसार में ज्ञान कैसे हासिल करते हैं ये एपिटेस्मोलॉजी में पढ़ाया जाता है। क्या कैसे तरीका है ज्ञान हासिल करने का इस संसार में, उसमें करीब 10 से 11 तरीके अलग अलग बताए जाते हैं, 10-11 ways, डिफरेंट वे। लेकिन हम सबसे प्रोमिनेंट और सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड 3 ways को डिस्कस करेंगे, 3 ways ऑफ गेनिंग नॉलेज। तो 3 प्रकार के तरीके जिससे कि हम ज्ञान प्राप्त करते हैं संसार में, कैसे कैसे करते हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब है जो आपने देखा, जो आपने सुना, जो आपने छका, जो आपने छुआ, जो आपने सूंघा, ये कहलाता है प्रत्यक्ष प्रमाण क्योंकि उसको आप साक्षात टेस्ट कर सकते हैं अपने 5 इंद्रियों से। दूसरा होता है अनुमान प्रमाण, अनुमान लगा करके, दिस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा कुछ कंक्लूड करते हैं हम, गेस वर्क बेसिकली, अनुमान प्रमाण। और तीसरा कहलाता है शब्द प्रमाण, ये कहलाता है सुनना, किससे, एक बोनाफाइड अथॉरिटी से, एक प्रमाणिक स्तोत्र से सुनना कि हम ये नॉलेज कैसे प्राप्त कर सकते हैं सही तरीके से, व्हाट द राइट वे ऑफ नॉलेज। लेट्स सी वन बाय वन, इन सभी को एक एक करके देखते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, इसको कहते हैं डायरेक्ट सेंस परसेप्शन। तो बात आती है क्या प्रत्यक्ष प्रमाण पूर्ण रूप से हमें ज्ञान दे सकता है, दैट्स अ वे। सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक ऑल क्वेश्चंस एंड ऑल कमेंट्स इन द एंड, ओके, सो यू ऑल कैन राइट एंड देन वी विल गो अहेड। जस्ट अगर आपको मेरी वॉइस और वीडियो सही नहीं आ रही है देन यू कैन जस्ट राइट ऑन द चैट बॉक्स, आई विल ट्राई टू इम्प्रोवाइज फ्रॉम माय साइड। And other than any questions, anything else, you just raise your hands and other things in the end. Okay? Radhe UPVR. Okay? That will go. So, okay. Go ahead. So, is seeing equal to believing? The point comes. क्या देखना ही सब कुछ सत्य है? क्या देखने से ही सारा ज्ञान आ सकता है संसार में? और क्या हम खाली आंखों पे विश्वास रख के सब कुछ कर सकते हैं? ये प्रश्न इसलिए भी बहुत important है क्योंकि normally लोग ये बोलते हैं कि हम भगवान पे विश्वास तब करेंगे जब आप भगवान हमें दिखाओगे। भगवान को देखकर ही हम विश्वास कर सकते हैं कि भगवान है। देखिए हर चीज देखने पर निर्भर नहीं करती है। अगर कोई चीज संसार में आप नहीं देख सकते तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो चीज है ही नहीं। लेकिन जो नास्तिक होते हैं वो सीधे सीधे बोल देते हैं क्योंकि हम भगवान को नहीं देखते हैं, भगवान हमारे सामने नहीं आते, भगवान हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देते, भगवान को हम महसूस नहीं कर सकते, भगवान को हम स्मेल नहीं कर सकते, भगवान को हम टच नहीं कर सकते, भगवान को हम सुन नहीं सकते, भगवान को देख नहीं सकते, तो हम भगवान को कैसे बिलीव कर लें? ये ब्लाइंड फेथ नहीं और क्या है? ये ब्लाइंड फेथ के अलावा और क्या हो सकता है? ये कॉमन लॉजिक, कॉमन तर्क देते हैं लोग। लेकिन खाली देखना ही विश्वास का मापदंड नहीं है। इज सीइंग इक्वल्स टू बिलीविंग? दिस इज नॉट सो, इट्स नॉट द राइट फैक्ट, राइट? लेट्स सी सम मोर थिंग्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक रेलवे ट्रैक है, अगर रेलवे ट्रैक को देखें तो वैसे तो आपको 2 अलग अलग दिखता है लेकिन बहुत डिस्टेंस पर जाके क्या दिखता है? वो एक हो जा रहा है, इट्स बिकमिंग वन। लेकिन अगर रेलवे ट्रैक, अगर हम सीइंग इज बिलीविंग, देखने पे ही सब विश्वास कर लें और रेलवे ट्रैक आगे जाकर के एक हो रहा है तो आप समझ सकते हैं क्या कि हम वापस इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेंगे, हम खत्म हो जाएंगे अगर हम ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो ऐसा होता नहीं। लेकिन इसी तरह से हम ऐसे मिरर इमेजेस होती हैं, मिरर्स होते हैं जिसमें कि अलग अलग हमारी इमेजेस दिखती हैं, लंबे दिखते हैं, छोटे दिखते हैं, तो वी कैन नॉट बिलीव इट। देखने में हमें दिखता है कि हमारी पेंसिल बेंड की हुई है लेकिन एक्चुअली में बेंड नहीं करती है, लेकिन दिखती है ऐसी, यू नो द फिजिकल फिनोमेना।
फिर मिराज एक फिजिकल फिनोमिना होता है। हमें लगता है कि बहुत तेज धूप वाला जो जमीन होती है ना, उसमें पानी पानी जैसा लगता है, पानी बिखरा हुआ है, बट वो पानी नहीं होता है। नहीं, वो पानी नहीं होता है, इट इज जस्ट अ फिजिकल फिनोमिना कॉल्ड मिराज, मृग तृष्णा जैसे हिंदी में बोलते हैं मिराज। तो कहने का मतलब है, एक्चुअली वी कैनॉट एक्वायर कंप्लीट नॉलेज यूजिंग अवर मेटल सेंसेस। कंप्लीट नॉलेज, आधी नॉलेज, थोड़ी नॉलेज हम जरूर पा सकते हैं। ऐसा नहीं कि इन सेंसेस से हम नॉलेज नहीं ले सकते, हम बिल्कुल ले सकते हैं। अभी मेरे को पानी पीना है तो मैं टच करके चेक कर लूंगा कि ठंडा पानी है कि गर्म पानी है, और मेरे मेरे को पीने लायक है कि नहीं। और सिमिलरली अकॉर्डिंगली मेरे को कुछ देखना है तो मैं देख के चेक कर लूंगा, मैं सुन करके चेक कर लूंगा। तो कुछ तो नॉलेज आती है, ऐसा नहीं नॉलेज नहीं आती है, लेकिन कंप्लीट नहीं आती है। कंप्लीट नॉलेज नहीं आती है किसके द्वारा? आईज, ईयर्स, नोज, टेस्ट, स्मेल, इन सबके द्वारा। कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसे क्यों नहीं कंप्लीट नॉलेज आ सकती इनके द्वारा? बिकॉज इन सब के साथ ना चार डिफेक्ट्स कैरी होते हैं, इन सभी सेंसेस के साथ। सबसे पहला डिफेक्ट है जो प्रत्यक्ष प्रमाण में आता है कि हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट होती हैं, इम्परफेक्शन होता है, कंप्लीट नहीं अपने आप में। सेकेंड है, इल्यूजन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तीसरा, मिस्टेक्स हो सकती हैं इसमें। और चौथा, मिस्टेक्स करने के बाद उसको छुपाने के लिए हम चीट कर सकते हैं लोगों को। बिकॉज ऑफ द फोर डिफेक्ट्स, नॉर्मली दिस प्रत्यक्ष प्रमाण कैन नॉट गिव यू द कंप्लीट नॉलेज। इम्परफेक्ट सेंसेस कैसे होती हैं? जैसे आंखें हैं, हमारी आंखों के देखने की क्षमता है, इतने बड़े वाइड स्पेक्ट्रम में जो एग्जिस्ट करता है उसमें मात्र 400 नैनोमीटर्स या 400 मिली माइक्रॉन से 700 मिली माइक्रॉन के बीच में ही हमारी दृष्टि है। इसके बियॉन्ड, जैसे ही वायलेट लाइट के बियॉन्ड जाएंगे, अल्ट्रा वायलेट लाइट और उसके रेड के आगे इंफ्रारेड, इसके बियॉन्ड क्या है, आप नहीं देख सकते चीजों को, यू कैन नॉट सी इट। अब देखिए हमारी जो बैंडविड्थ है देखने की चीजों की, वो कितनी छोटी है। इसी लिमिटेड बैंडविड्थ में ही हम कोई चीज देख पाएंगे, सो वी कैन नॉट सी दैट, वी कैन सी एवरीथिंग। सिमिलरली हमारी सुनने की क्षमता होती है, हम 20,000 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, लेकिन 20 हर्ट्ज से नीचे इंफ्रासाउंड को और इसके ऊपर अल्ट्रासाउंड को 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर नहीं सुन सकते। बट ऐसे स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं, डॉल्फिन, बैट, जो कि अल्ट्रासाउंड वेव्स को सुन सकते हैं और इंफ्रासाउंड को सुनने वाले भी जीव हैं। कहने का मतलब, हमारे जो सुनने की क्षमता है, हमारे जो देखने की क्षमता है, ये एक लिमिटेशन है इसकी, इट कैनॉट गो बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। कोई प्रश्न पूछ सकता है, इफ सेंसेस हैव लिमिटेशंस, आई कैन यूज इंस्ट्रूमेंट्स। मैं इंस्ट्रूमेंट बना के देख लूंगा, और इंस्ट्रूमेंट बना के मैंने कुछ बहुत कुछ देखा भी है, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से देखते हैं इस नॉलेज को, राइट? लेकिन थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही फेमस एक नोबेल प्राइज विनर थे, फिजिस्ट थे, उनका नाम था यूगन विग्नर। उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि अरे बाबा, अगर आप इंस्ट्रूमेंट भी बनाओगे तो इंस्ट्रूमेंट भी अपने इन्हीं सेंसेस से बना रहे हो, और कोई तरीका नहीं है, सेंसेस के द्वारा ही आप इंस्ट्रूमेंट्स को बना रहे हो। तो क्या होगा, क्योंकि आप सेंसेस के द्वारा ही इंस्ट्रूमेंट्स को बना रहे हो, तो नॉर्मल चांसेस हैं कि आपके द्वारा देखा हुआ चीज, सुना हुआ चीज, उसमें इम्परफेक्शन रहेगा ही। देखिए बहुत अच्छा लॉजिक दिया उन्होंने कहा, इवन इफ यू फोटोग्राफ स्टार्स, अगर आप स्टार्स की फोटो भी खींचते हो इस कैमरे से, तो क्या होगा, इवेंचुअली वी हैव टू टेक इन बाय अवर सेंसेस। जो भी रिजल्ट आएंगे, वो रिजल्ट को हम इवेल्युएट करेंगे कैसे, अपने सेंसेस के द्वारा। सेकेंड थिंग, उस सेंसेस को, उस कैमरे को हैंडल करने के लिए भी सेंसेस चाहिए आपको। अगर हम कोई एम्पलीफाइड रिफाइंड इंस्ट्रूमेंट्स को भी यूज करते हैं ना, मान लो इस नॉलेज से, तो वो भी इम्परफेक्शन देगा हमें, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। बिकॉज अल्टीमेटली अवर सेंसेस आर लिमिटेड, हमारी इंद्रियां एक लिमिटेड रेंज में ही काम करती हैं, इसके द्वारा बनाए हुए जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो भी बहुत लिमिटेड होंगे। इसका प्रमाण आपको विज्ञान में दिखेगा, क्योंकि विज्ञान में इतने सारे चेंजेस हुए हैं समय के साथ, जो अपने आप में शो करता है कि सेंसेस के द्वारा जो नॉलेज गेन किया गया है वो इम्परफेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल, स्टार्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता था हबल्स कांस्टेंट, लेकिन समय के साथ क्या हुआ, वो हबल्स कांस्टेंट चेंज होकर के बन गया हबल्स वेरिएबल। हबल्स वेरिएबल क्यों? क्योंकि वो जो कांस्टेंट था वो बहुत समय तक स्थित नहीं रह पाया अपने टाइम पे, अपने समय की परिधि को, समय के जो सीमा है, समय का जो टेस्ट है, उस पे खरा नहीं उतर पाया, इसीलिए उनको हबल्स वेरिएबल बना लिया। इतने कितने सारे वेरिएबल्स और कितने बड़े बड़े साइंटिफिक जो ब्रेक थ्रूज कहलाते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि जो आपने पिछली डिस्कवरी की थी वो सही नहीं थी,
कुछ सालों के बाद, कुछ दशकों के बाद आपने पता किया, डिस्कवरी निकल के आई कि वो गलत थी। इल्यूजन हो जाता है। सेंसेस के अंदर एक चक्कर है कि इल्यूजन, अगर आपने किसी को मीठा मीठा गुलाब जामुन खिला दिया, है ना, मीठा मीठा गुलाब जामुन खिला दिया, उसके बाद अगर आप संतरा खिलाते हैं, हो सकता है संतरा मीठा हो, लेकिन संतरा आपको क्या लगेगा, खट्टा लगेगा, नींबू की तरह लगेगा। हो सकता है वैसा संतरा ना हो लेकिन खट्टा लगेगा, क्यों? क्योंकि आपने गुलाब जामुन खाया उससे पहले। उसी चीज को उल्टा कर लीजिए, नींबू पिया है आपने, नींबू खाया है, नींबू लिया है आपने, उसके बाद आप संतरे को खा रहे हैं तो संतरा मीठा दिख रहा है। इट्स रिलेटिव। कहने का मतलब है एक सही चीज की गलत पहचान हो जाना, एक सही चीज को गलत तरीके से पहचान लेना, ये बहुत संभव है हो जाए। किसके साथ? हमारे सेंसेस के साथ, है ना, हमारे स्किन के साथ भी सेम चीज है। एक पानी है ना, उसी पानी को, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, अभी आपका गर्मी है, अभी आप ठंडे पानी में हाथ डालो इतना सूदिंग लगेगा आपको, अच्छा लगेगा, लेकिन इसी ठंडे पानी को आज से 6 महीने बाद छूना भी पसंद नहीं करेगा व्यक्ति। जब ठंड पड़ेगी तो गर्म पानी चाहिए होगा। कहने का मतलब सेम स्किन सेम वाटर बट द डिफरेंस वुड बी लार्ज। ओके, आपके सामने हम बहुत सारी इमेजेस दिखाएंगे अभी, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू कैन क्विकली ओपन योर चैट बॉक्स। उस चैट बॉक्स में हमको क्या करना होगा, आपको बताना होगा कि इन दोनों इमेजेस में आपको दिख क्या रहा है, व्हाट आर यू एबल टू सी। ओके, लेट्स बिगिन। सो व्हाट यू कैन सी इन दिस इमेज, एवरीवन कम ऑन क्विकली, हर कोई फटाफट इस इमेज को देखें और टाइप करें, इस इमेज में आपको क्या दिखता है, व्हाट आर यू एबल टू सी इन दिस इमेज। ओके, यू आर सीइंग एन ओल्ड वुमन, यू आर सीइंग अ गर्ल, ओह आई वांट अ बॉय, गर्ल, यस गर्ल, देन नेक्स्ट वन वुमन। Now see, all of you are seeing the same image, but what you see, there is a difference of opinion. आप सब में difference of opinion दिख रहा है ना? कोई भी एक मत पे नहीं है एक image को लेकर के, right? One is seeing an old woman, one is seeing a young woman, and some are seeing boy also, and there are one more version came up, human focusing towards a leaf under the shelter of a feather. That's one more vision Abhishek has, but broadly जो सबको दिख रहा है, that is woman and a girl. That's true. एक image है, छोटी सी image है, but इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक woman और एक girl दिख रही है। I don't know whether you are able to see my cursor. अगर आप मेरे cursor को देख पा रहे हैं तो you can just type yes. So I will show you both the images. Can you see my cursor on the screen? Okay, you can see. Good. Now if you see on the image, आप देखेंगे तो ये बूढ़े लेडी, एक बूढ़ी लेडी की बात मैं करता हूँ पहले, तो उसकी ये नाक, राइट, ये बूढ़ी लेडी की नाक है ये, और ये उसकी ठुड्डी है, ठुड्डी ठुड्डी समझते हैं, चिन, और ये उसके लिप्स हैं, ये उसकी आंखें हैं, ये उसके बाल हैं, एंड सो फोर्थ। पूरा एक बार में लुक में आता है कि बूढ़ी लेडी है, लेकिन एक ये यंग लेडी भी है, ध्यान से देखिएगा, ये यंग लेडी, इसकी आंखें यहाँ पे हैं, उसके नाक ये है, एंड देन द चिन गोज हियर, एंड देन द ईयर कम्स हियर, एंड देन कम्स द थ्रोट, एक गला है, और गले में कुछ बांध रखा है, एंड देयर इज अ फेदर अराउंड इट। ओके, दैट टू प्रोमिनेंट थिंग्स व्हिच कैन बी सीन, टू प्रोमिनेंट थिंग्स, जो चीजें देखी जा सकती है इस इमेज में। और आप सब और भी कुछ शायद देख रहे हैं इसमें, अदर्स कैन ऑल्सो सी फ्यू थिंग्स, बट माई लिमिटेड सेंसेस कैन सी ओनली डू दीज टू थिंग्स। ओके, सम ऑफ यू कैन सी बॉय और सम अदर थिंग्स ऑल्सो, लोगों ने अपने चैट में मेंशन किया था, बट that is an optical illusion. Yes, perfectly right, optical illusion. Let's see this one. So what is it? Yes, come on, quickly, all of you can write on your chat box, what is it? And it's a simple one. Yes, is it a semicircle? It's a cut out circle, or it's a white triangle? Pac-Man Pac-Man game. Okay, it's a Pac-Man game also. It's a triangle and a circle, both are there. A white triangle or a sector cut in a circle, right? So both ways it can be there. A triangle and the three circles cut it in the same angle, as Manoj is saying. So yes, it is there. It's there. Both are right. Okay, this one is interesting. See, what can you see in this image? Next one. Yes. Oh, sorry. Yes, this one. This image. What can you see in this image?
old couple and two people singing. Yes. Old couple and woman, science cannot help him, but okay. Old couple and two people, old man and old woman and two people playing guitar. Yes, perfect. One more thing can be seen. I could try to see. One more thing is there. Woman, 2% playing music. Okay, perfect. Old, okay. Sab achha sahi likhe hain. One lady in here also. Woman near the door. Ear or door? अब इसमें confusion है. Ear है कि door है. Two people playing instruments, woman and a man playing guitar. Yes, obviously all of you are right. एक उल्टा वो भी दिख रहा है इसमें glass. एक glass भी दिख रहा है सामने. बड़ा सा yellow golden glass. That all thing can be seen. So see, the point is what I'm trying to make is there is the same physical, same image. It is a sand watch. Yes, you can see the same image. Yes. But what the point is, we are different experiences with every one of you, with every one of you, different experiences. Now if you see this one, what is it? What is happening? You can see the screen very properly. If you are watching on the phone, I don't know how it will be in phone, but in laptop, if you see, you will see it clearly. What it is? Yes. What is your experience with this one? Yes. A wave looks like blue bindi. Yeah, it's moving. Yes, perfect. It's moving. Wavy lines. Yeah, perfect. Perfect. Yes, it's a wave. It's moving. It's moving. But in exactly, it's simply an optical illusion. Yes, it's appearing to be a wave, but ultimately it's a optical illusion. This one, any idea? We try to see. This would be, I think it would be a little difficult if somebody can recognize it. Yeah, moving circularly, right? Yeah, most of you will see flower only, but if you see it more close, okay, network problem. Okay, network problem, image moving. Okay, a simple design. Yeah, but actually if you see on a very large scale na, and if the internet has no issue, it's actually moving. It's a moving circle. It's a rotating circle. It's there. Okay, no problem. If you can't say they're moving, no, it's not a disqualification. But the point is, this image was meant for showing that aspect. Now you can focus on the center dot and just move your head back and then forth. Just come back and then see coming front. A very interesting phenomenon would be there. Focus on the black dot and just come. Yes, how is it moving? You can tell something. There's a specific movement. It's moving. How it is moving? Clockwise, anti-clockwise. Yes, which one is clockwise? Inner one, the outer one? Yes, exactly, it's clockwise and anti-clockwise, opposite directions. Yes, the outer one is clockwise. Yes, it's moving clockwise. Yes, perfect, good. Okay, let's go to the next one now. Yes, now this one. So what we learn from it, our all senses have tendency to get illusion, na? Illusion, galtiyan hoti hain. Jis cheez ko hum jaisa dekhte hain, waisa nahi hota hai. Kuch galtiyan ho jati hain dekhne mein. उसी प्रकार से बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स भी हैं, जिसको कि बहुत समय तक ऑब्जर्व किया गया था लेकिन बाद में जाके करेक्ट किया गया. जैसे ब्रेन, बहुत समय तक सोचा गया था ब्रेन में कुछ काम नहीं है. तो एक ऑर्गन है जो खून ठंडा करने के लिए होता है, जैसे कि आपका गाड़ियों में पहले कार्बोरेटर होता था. लेकिन नहीं, ब्रेन का हम यूज जानते हैं. तो ब्रेन नहीं होगा तो हमारे बॉडी कोई भी पार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे और कुछ भी चीज नहीं चल पाएगी. सिमिलरली हमारे बॉडी में पिट्यूटरी और मास्टर ग्लैंड्स होते थे. इसको वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता था, जैसे अपेंडिक्स होते हैं हमारी बॉडी में. अब शायद अपेंडिक्स का भी यूटिलिटी बता रहे हैं कुछ ना कुछ है, बट वेस्टिजियल और यूजलेस माना जाता था. सिमिलरली ये वाली बात मैंने आपको बताई थी कि हबल्स कॉन्स्टेंट कॉस्मिक यार्डस्टिक था, हैज बीन चेंज्ड 3 times. 3 बार ये बदल चुका है. वेदर इट्स हबल कॉन्स्टेंट और हबल्स वेरिएबल, दैट्स अ बिग क्वेश्चन राइट नाउ.
that's people are asking. Yes, that is what we are meant to make mistakes. Even there is a great thing. जब हम गलतियां कर लेते हैं ना, committing mistakes, गलतियां कर देते हैं illusion के कारण, तो हम क्या करते हैं, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं. गलतियां कर ली, लेकिन गलतियां करके क्या कर रहे हैं, उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं. उसको कहलाता है cheating propensity. और ये cheating propensity आप देखोगे ना, बहुत जगह पे है विज्ञान में. और मैं आपको ऐसी कुछ बातें बताऊंगा जो आपको हो सकता है थोड़ा शॉक लगे, लेकिन सत्य बताऊंगा. विल टेल यू ट्रुथ. व्हाट इज दैट थिंग, ये पिल डाउन मैन हॉक्स. इसको आप कभी भी डालोगे नेट पे, आप ढूंढ सकते हो उसको. सो दे वर सर्चिंग फॉर द मिसिंग लिंक बिटवीन एप्स एंड ह्यूमंस. एप्स और ह्यूमंस के बीच के लिंक को ढूंढने के लिए पूरा प्रोग्राम था, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं. तो बीच में यहाँ पे जाकर के क्या किया गया था, कनेक्शन को मेकअप किया गया था. द कनेक्टिंग लिंक वॉज मेड अप इन 1912. And then in 1953, this fraud was revealed. Fraud was revealed that a human skull had a filled jaw. Basically, जो हमारा जबड़ा था उसमें कुछ ऐसे changes किए गए जो दिखाने के लिए कि gradually एक बंदर से लेकर के एक मनुष्य तक आने के लिए जो बीच के species है ना, वो कहीं मिले नहीं. उन बीच के स्पीशीज को दिखाने के लिए ये सब कहानी रची गई है. और ये बहुत अपने आप में कहानी है. इसको बहुत ही फेमस, अगर आप जानते होंगे, चार्ल्स डार्विन थे जिन्होंने एक स्टोरी दी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इसके ऊपर दी थी. तो इसको हम अभी इस सेशन में ना नॉर्मली बहुत शॉर्ट में टच करते हैं, पर हमारा एक सेशन और होता है आगे जा करके, दैट इज साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी. इसमें कि हम ऐसे बहुत से एस्पेक्ट्स पर टच करते हैं, सुनने का कोशिश करते हैं, समझने का, इसमें कि एक वैज्ञानिक और विज्ञान, साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच में कहाँ पे समानताएं हैं, कहाँ पे डिफरेंसेस हैं, कहाँ कहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और कहाँ कहाँ पे इसका गलत दुरुपयोग भी किया जा सकता है. समहाउ और अदर वहां पे क्या है, यूज किया गया है. So there were different hoaxes जो ऐसे प्रूफ किए गए थे साइंस के द्वारा. There is one book, if you just go on and find it on the internet, इस बुक का नाम है Forbidden Archaeology, right? I will just write it on the chat box ताकि आपको कभी इसकी कॉपी मिले. You can see, even if you don't get it, I have an interesting book on this. If any of you are interested in science, you can read this book, and one more theory on Darwin is there. Just one minute. This is a Forbidden Archaeology. Yes, this has been written by a very famous author, Dr. Michael Cremo. और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ऐसे-ऐसे evidences निकाल के दिखाए हैं अपनी उस book में, जिसको कि normally science ने publish नहीं किया था. और publish क्यों नहीं किया था? क्योंकि अगर वो publish करते, तो पूरी की पूरी जो theory है Charles Darwin की, वो अपने आप में पूरी crash कर जाती. क्योंकि किसी भी थ्योरी को बिल्डअप करने के लिए उसके साथ बहुत ही स्पेसिफिक आपको एविडेंसेस देने पड़ेंगे. अगर आपकी थ्योरी के साथ साथ सपोर्टिंग एविडेंसेस प्रॉपर नहीं होंगे ना, तो आपकी थ्योरी को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई. सेम थिंग व्हाट हैपेंड, मेनी रिसर्चेस जो निकाली गई थी ना, उनको कभी आज तक पब्लिश ही नहीं किया गया. और ऐसे बहुत से बड़े बड़े आर्कियोलॉजिकल आपके म्यूजियम्स हैं जहाँ पे ये चीजें रखी गई हैं. तो अपनी बुक्स में, अपनी बुक फॉरबिडन आर्कियोलॉजी में जो नाम दिया, उसमें उन्होंने वो सारे एविडेंसेस को पब्लिश किया है, दिखाने की कोशिश की कि दिस इज ऑल पैच वर्क, ये सब पैच वर्क किया गया था. सो देयर आर मेनी थिंग्स इन दैट रिगार्ड, बट आई विल शो यू जस्ट वन वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो. आर यू गेटिंग द वॉइस एवरीवन ऑफ द वॉइस ऑफ द वीडियो? Let me see. Okay, you're getting the voice of video. Good. Sorry, just 1 minute. I'm playing this video again.
Okay, just a minute. Sorry to say. Are you getting the video voice? Because most of you write yes. But I'm getting a message that the video voice is not there. Okay, my voice is there, but what is the... No. Okay, that's what. Just 1 minute. So one day, one student replied me. Just 1 minute. I'll share the sound of a video. To it. It was soon revealed that the tooth that had been the source of inspiration for Nebraska Man, in fact, belonged... Okay, is it coming now, the voice of the video? Okay. To a wild pig. Many other fossil skulls have been presented as great evidence for evolution, failed one by one. Neanderthal man was advanced as evidence in 1856, dismissed in 1960. Piltdown man was advanced as evidence in 1912, dismissed in 1953. Zinzanthropus was advanced as evidence in 1959, dismissed in 1960. Ramapithecus was advanced as evidence in 1964, dismissed in 1979. Okay, so here we see that example I was telling you, that even in the science we have so many places which we don't know, where this cheating propensity is very much into the picture. We'll see many more examples. Abhi hum aap example aapko dikhayenge. Second theory comes about the Anuman Praman. Anuman Praman kaisa hota hai? There are theories based on observations. Hamare observations pe based hoti hai. Jaise for example, main aapko ek simple se bataun, ye guesswork ki tarah hota hai. Isme koi hypothesis present ki jati hai, koi theories present ki jati hai. Aur fir dekha jata hai ki acha, ye kaisi hai, hai nahi hai, kya hai. So it may have been like this, or perhaps it was like that. ये सारी चीजें इसमें होती हैं. As a for example, theories based on observation. Before into going into case study, मैं आपको एक और बड़े सरल से उदाहरण से बताता हूँ. What is this अनुमान प्रमाण? जैसे एक बार की बात थी, एक व्यक्ति एक घर के बाहर से गुजर रहा था. घर के बाहर से गुजर रहा था तो घर के अंदर से आवाजें आ रही थी. आवाज आ रही थी कि एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को बोल रहा है कि कल मैंने तुम्हें हाथ काटना सिखाया था, आज मैं तुम्हें गला काटना सिखाऊंगा. और इस व्यक्ति जो बाहर से गुजर रहा था, उसने ये बात सुनी तो उसको लगा कि शायद ये लोग किसी का मर्डर का प्लान कर रहे हैं, किसी को मारने जा रहे हैं. तो फटाफट उसने पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस को फोन करके उसने पुलिस को बुलाया. दरवाजा तोड़ा गया, दरवाजा अंदर देखा गया, वो एक दर्जी की दुकान थी. दर्जी अपने बेटे को बता रहा था कि बेटा मैंने तुम्हें कल बताया था कि हाथ कैसे काटे जाते हैं इसके कपड़े के, और आज गला कैसे काटते हैं वो. लेकिन इसको क्या लगा कि किसी को मारने की बातें कर रहे हैं. तो उसने कुछ सुना, उससे अनुमान लगाया उसने, और अनुमान निकाल के निष्कर्ष निकाल लिया कि अरे ये ऐसे ऐसे. इसी प्रकार से हमारी कुछ ऑब्जर्वेशन होती हैं दुनिया में, और उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम कुछ ना कुछ कंक्लूड कर लेते हैं, कंक्लूजन निकाल लेते हैं. ओ अच्छा 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 अच्छा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा. और कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं. सबसे फेमस है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, चार्ल्स डार्विन. इन्होंने इस बात को खुद कबूला था एयर वैलेस से 22 दिसंबर 1857 को. और उन्होंने लिखा, देखिए बहुत ही स्पेसिफिक उनकी लाइन है, ये लिखा, आई एम अ फर्म बिलीवर दैट विदाउट स्पेकुलेशन देयर इज नो गुड एंड ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन. आफ्टर 5 years वर्क आई अलाउड माई सेल्फ टू स्पेकुलेट ऑन द सब्जेक्ट एंड ड्रू अप सम शॉर्ट नोट्स. These I enlarged in 1844 into a sketch of the conclusions which seem to be probable. Probable है, ऐसा हो सकता है, मैं sure तो नहीं उतना कहने के लिए, लेकिन मुझे लगता है मेरी जो speculation उसके basis पे. Speculation मतलब तुक्केबाजी, साफ अपनी भाषा में बताया जाए तुक्केबाजी के आधार पे ये चीजें निकल के आती हैं. Actually मैं विज्ञान ऐसे वर्क नहीं करता है, आपको perfect पता होना चाहिए चीजों को. Fossil records देखे जाते हैं, record of the rocks, तो normally हमें यही पढ़ाया गया बचपन से ना, हम सब कहाँ से आए, बंदरों से आए हैं, हमारे पूर्वज बंदर रहे हैं. भाई पता नहीं इनके बंदर हो सकते हैं, हमारे बंदर नहीं है, हमारे तो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि रहे होंगे सभी के, हम सब के, जो जो वेदों में और शास्त्रों में विश्वास रखते हैं उनके जो पूर्वज हैं पक्के कोई ऋषि मुनि रहे होंगे.
लेकिन इनकी दृष्टिकोण से देखा जाए और जो स्पीशीज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनका कहना क्या है, बंदरों से आए हैं, वी हैव कम फ्रॉम द मंकीज। तो ह्यूमन बीइंग्स और एप्स, तो ह्यूमन बीइंग्स थे और बंदर थे, ये साथ साथ एग्जिस्ट किए हैं। ऐसा नहीं कि बंदर हमसे पहले एग्जिस्ट किए हैं और बाद में हम आए हैं। फॉसिल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं आज भी ऐसे, जो साफ साफ दिखाते हैं कि मनुष्य आज से लाखों लाखों वर्ष पहले रहे हैं। और जो भगवान श्री रामचंद्र और भगवान कृष्ण की सबकी जो स्टोरीज हम सुनते हैं, ये माइथोलॉजी नहीं है। लोग कहते हैं माइथोलॉजी सुन रहे हैं, मिथ, मिथ मतलब झूठा, झूठ, झूठ को मिथ बोला जाता है। माइथोलॉजी माइथोलॉजी नहीं है, ट्रुथ है, फैक्ट है। भगवान श्री राम थे, लक्ष्मण थे, सब कोई थे, पूरी की पूरी रामायण सत्य है। माइथोलॉजी थोड़ी है, कोई बच्चों की स्टोरी थोड़ी है बचपन में सुनाने के लिए बच्चों को। और उसके बाद फिर राम सेतु, भगवान के जितने पौराणिक स्थल थे, सारी लीलाएं, ये सब सत्य हैं, भगवान थे। लेकिन क्या हम सुनने को मिलता है विज्ञान में, नहीं नहीं, कहां से बातें कर रहा हूं, तो बंदरों से आए। भगवान रामलीला से कितने सौ वर्ष पहले, आज से कम 20 लाख वर्ष पहले की घटनाएं हैं भगवान की। 8,64,000 बीच में द्वापर आता है, उसके बाद 12,96,000 साल का त्रेता युग है। आप सोचो, आप कैलकुलेट करो इन सब चीजों को, आप देखोगे कि 20 लाख बिफोर, 20 लाख साल पहले भी वी हैव एग्जिस्टेड एज अ ह्यूमंस, एज अ लॉर्ड रामचंद्र पास टाइम, इतने सारे देखने को मिलते हैं। द पॉइंट इज द ह्यूमन बीइंग्स एंड द एप्स हैव साइमल्टेनियसली एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, इट इज नॉट मैन केम फ्रॉम मंकी। कैसे, इनकी थ्योरी है क्या? वो बताते हैं कि कैसे वो जो बियर है ना, वो वेल बन गई। देखिए बड़ी मजेदार स्टोरी है ओरिजिनल स्पीसीज में। उन्होंने बताया इन नॉर्थ अमेरिका द ब्लैक बियर वॉज सीन स्विमिंग फॉर आवर्स विथ वाइड ओपन माउथ, दस कैचिंग लाइक अ व्हेल, इंसेक्ट्स इन वॉटर। इवन इन सो एक्सट्रीम अ केस ऑन दिस, इफ द सप्लाई फॉर इंसेक्ट्स वर कांस्टेंट, इफ बीन अडैप्टेड कॉम्पिटिटर्स डिड नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द कंट्री, आई कैन सी नो डिफिकल्टी इन अ रेस ऑफ बियर्स बाय नेचुरल सिलेक्शन, मोर एंड मोर एक्वाटिक इन द स्ट्रक्चर एंड हैबिट्स, विद लार्जर एंड लार्जर माउथ, स्टिल अ क्रिएचर वॉज प्रोड्यूस्ड एज मॉन्स्ट्रस एज अ व्हेल। ये पूरी फेरी टेल है। एक भालू वेल कैसे बनता है ये जान लीजिए आप। भालू बेचारा पानी में गया, तैरते 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 मुंह खोल के तैर रहा है, और करते 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 एक दिन वो वेल बन गया। और मजेदार कहानियां सुनिए, जोकिंग स्टोरीज। जिराफ की क्यों गर्दन लंबी है? लॉन्ग नेक जिराफ एंड शॉर्ट नेक जिराफ एग्जिस्टेड टुगेदर, दोनों साथ साथ थे, छोटे गर्दन वाले जिराफ भी और लंबे गर्दन वाले। But they were hungry and they couldn't reach leaves from trees, so they died. जो बेचारे छोटी गर्दन वाले थे ना, बेचारे मर गए, और जो लंबी गर्दन थे बच गए। कैसे बच गए? क्योंकि उनकी गर्दन लंबी थी, इसलिए वो पेड़ से तोड़ तोड़ के खाते गए और बच गए। बहुत अच्छा। इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है? If giraffe had to stretch the neck, did they not drink water? What about other quadrupeds? ऐसे तो और भी है ना जिनकी गर्दन लंबी नहीं है। हिरण भी तो है, हिरण की तो गर्दन लंबी नहीं है, आज तक बेचारा जिंदा है कैसे? अगर बंदर से मनुष्य आते हैं तो आज बंदर कैसे मौजूद हैं? बंदरों को भी तो गायब हो जाना चाहिए ना समय के साथ, आज बंदर भी दिखते हैं। कहने का मतलब है डार्विन ने बड़ा कोशिश किया, ही ट्राइड अ लॉट है ना टू सब्सटेंशिएट इट मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन बाय हिज ओन स्पेकुलेशन बेस्ड ऑन हिज मिडल आउटलुक। इट इज फैक्ट द वेदास आल्सो टॉक ऑफ इवोल्यूशन but not of the body but of the spirit soul. Veda says that soul who is residing in one body moves at that time of death to another body, not that one body changes another. Hamara sharir nahi badalta hai, sharir ke andar rehne wali atma ek sharir se dusre sharir mein dehantran karti hai, transmigrate karti hai. Dhyan se samajhiye is point ko, it transmigrates from one body to the another body. अब कोई कहेगा भाई आप इतना क्यों बाल की खाल निकाल रहे हो, क्या हो जाएगा? ठीक है, मान लिया दैट्स अ प्रॉब्लम, आफ्टर ऑल दे नो समथिंग, दे विल रिसर्च मोर एंड इंप्रूव इन द टाइम टू कम। इन द मीन टाइम लेट्स, दे हैव लेफ्ट अस विद सो मेनी नाइस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड अदर लग्जूरियस टू एंजॉय। क्यों इतना उनको निंदा कर रहे हैं, क्यों इतनी भर्सना कर रहे हैं? नहीं नहीं, इसके बड़े खतरनाक प्रभाव भी हैं, लोगों को नहीं पता। Researchers have brought a new gaming gadgets for the people, but the adverse effects are increasing at a multifold rate. Consequences, logon kya kya samasyaen hai aaj dekhiye,
इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते हैं ना, दे हैव अ बिग प्रॉब्लम नाउ. नींद नहीं आती, आंखें खराब हो रही हैं, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, डिप्रेशन, हियरिंग डैमेज, एबिसिटी. एक ही जगह देखो, लोग चलते फिरते नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते, इतने ज्यादा मोटे हो जाते हैं, इतनी बीमारियां हो जाती हैं शरीर में. रिलेशनशिप में टाइम देने का वो नहीं है. The Silicon Valley's research blunder, Zuranus Labs research claims blood test using automated device, lab on chip, instant diagnosis of 240 medical conditions by a single drop of blood. The consequences का कब दिखा? 2003 में तो बहुत इसकी वाहवाही हुई, 2016 में से consequence दिखा. Inaccurate blood test resulted in endangering people's life, लोगों का जीवन खराब हुआ, गलत reports, patients harmed during testing in laboratories. Fraud of more than $9 billion revealed, $9 billion. Bubonic plague बहुत साल पहले यूरोप में आया था, और उसमें रिजल्ट में क्या निकाला गया था कि bubonic plague किससे होता है? Bubonic plague होता है बिल्लियों से, है ना, बिल्लियों से. और बाद में इतनी बिल्ली मार दी गई, पता चला कि चूहा जिम्मेदार था. लो भाई, बेचारी बिल्ली बेमौत मारी गई, चूहा जिम्मेदार था. और इतने वास्ट स्केल पे पूरे यूरोप में bubonic plague आया था आज से कम 700-800 साल पहले. तो आज भी जो हम देख रहे हैं ना, इतनी महामारी कोरोना के कारण हो रही है, तो ये कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ महामारियां होती ही हैं समय समय के साथ. इसलिए कहा जाता है हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, खतरनाक पॉइंट. अच्छा, अब मेरा प्रश्न आप सबसे, आप सब ने अपने चैट बॉक्स फिर से ओपन करिएगा, आप बताइएगा कुछ ऐसा एक एग्जाम्पल देना है आपको, कैसे एक मॉडर्न मैन के सोल्यूशन में एक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए और बड़ी प्रॉब्लम बचानी. मतलब कि आपने एक छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सोल्यूशन दिया, और उस सोल्यूशन से क्या हुआ, और बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ गई. एनी आइडिया? 5G, कोविड वुहान लैब. अच्छा, वैक्सीन से भी प्रॉब्लम आ रही है. ओके, वायरलेस ब्लूटूथ. ओके, और आपने सोल्यूशन दिया लेकिन सोल्यूशन ही आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई. मोबाइल. अच्छा, आपको क्या करना है, जितने लोग भी डाल रहे हैं इस चीज को ना, यू कैन टेक मोर, 1 मिनट मोर, और आप लिख सकते हैं कैसे ये चीजें प्रॉब्लम है. अगर आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वैक्सीन प्रॉब्लम है, मोबाइल प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, सो यू हैव टू जस्ट टेल व्हीकल पोल्यूशन, टेक्नोलॉजी एडिक्शन, PS4 लिनक्स लीडिंग टू स्ट्रेस, ओके, PlayStation 4, like COVID-19 scientists founding vaccine, it is not saving actually. Oh, good. Yes, television. Okay. Girlfriend, a big problem. Yes, exactly. Pornography, women's, Wuhan's lab research, problem post-COVID. Okay, I agree. Everything has a positive and negative impacts. 5G results in faster speed of internet, but the radiation coming from it is very dangerous. Okay, wonderful. Bauxite jungle, cut. कटने का गवर्नमेंट प्लान फॉर डायमंड, बट वी लॉस्ट लॉट्स ऑफ ट्रीज. यस, परफेक्ट. यस, गुड, वेरी गुड, यू आर वेरी 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 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स. यस, किसी भी एक छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितनी बड़े बड़े सॉल्यूशंस दिए गए वो उतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी. आप सबने इतने सारे टेक्निकल पॉइंट्स बताए, यू आर ऑल वेरी इंटेलिजेंट. मैं आपको एक सिंपल स्टोरी बताता हूँ. यस, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर माई बेस्ट. यस, एग्जैक्टली. ओके, गुड. Wonderful. I'll tell you one small story. पहले के समय जब गाड़ी नहीं थी, व्हीकल्स नहीं थी ना, लोग चलते थे बैलगाड़ियों में. अब आप जानते हैं बैलगाड़ी कितनी धीरे चलती है. बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, बहुत धीरे चलते हैं, स्लो स्पीड. लेकिन क्या हुआ, क्योंकि जब बैलगाड़ी या घोड़े गाड़ी चलती थे ना, तो बैल और घोड़े सड़क को गंदे कर देते थे, स्टूल पास कर दिया, यूरिन कर दिया, आपका जो मिट्टी का रास्ता होता था गंदा हो जाता था, और फिर चलता भी धीरे धीरे था. तो दो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की गई. एक प्रॉब्लम थी चलता बहुत धीरे, दूसरा गंदा बहुत करता है रास्ते को, तो इसके लिए कुछ नया निकालना चाहिए. तो चलो अपने गाड़ी लेके आए. गाड़ी से हम क्या सोल्यूशन निकाले, ये निकाले कि बहुत फास्ट चलेंगे, वेरी फास्ट. ऑब्वियसली हाईवेज वगैरह पर तो हम चलते ही हैं, लेकिन जहाँ सिटी लाइफ की बात आती है, जहाँ हमारा लाइफ का 80% जीवन, जब जीवन एक 80% लाइफ हमारी जब एक सिटी में चलती है ना, और हम एक बड़ी गाड़ी में चलते हैं, और दिल्ली जैसे शहर की अगर बात करें या बॉम्बे जैसे शहर की बात करें,
इतना स्क्रॉल करके ट्रैफिक चलता है ना, धीरे 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 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बैलगाड़ी भी फेल हो जाए इसके आगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल पॉल्यूशन। ठीक है, आपने जो जमीन की गंदगी थी उसको तो साफ कर दी, वॉट अबाउट द एयर? यू कैन नॉट ब्रीद इट। अभी भी आई वॉज जस्ट सीइंग वेदर रिपोर्ट्स two to three days back of Delhi, even that AQI, air quality index, is 250. Very difficult to breathe. Warning was coming, so warning aa rahi thi, you have to take your mask, not for COVID, at least for the air what you are breathing, you have to have a mask, so that the SPM, the suspended particulate matters jo hote hain air mein, wo aapke lungs mein aa jaye. Very difficult to live. Very difficult. The point is, आप एक problem के लेके कोई solution देते हैं ना, वो और बड़ी problem बन जाती है आगे। And we hardly realize this. So the point is, what approach should we go for? The half knowledge is dangerous. So what is the way to get the full and the absolute knowledge? Okay, let's see few. So key to happiness is complete knowledge. We can never obtain complete knowledge by pratyaksha and anuman praman. And it is dangerous to operate a machine with half knowledge. Similarly, it is dangerous to manipulate a universal cosmic machine without knowing about it from the creator who created it. Agar is srishti ko, is sansar ko kisi ne banaya hai, aur agar aap nahi jante usko kisne banaya hai, kaise banaya hai, and you don't have the complete knowledge about it, aap do cheezon ka nuksan karenge. Ek to apna karenge hi karenge, srishti ka bhi nuksan karenge. Let's see, very beautiful video. Okay, so we saw this video. What could we learn from this video? Quickly, you all can just type on the chat box. This video is fantastic. Yes. Yes. What is your learning from this video which we saw right now? कुछ भी एक दो lines में आप mention कर सकते हैं. This study के approach को लेके proper knowledge नहीं दी. Good. Read the manual. Good. Good. Very good, Abhishek. ट्रेडमिल को यूज करने से पहले मैनुअल पढ़ लीजिए. यस, वी शुड हैव परफेक्ट नॉलेज. कंफ्यूज, एग्जैक्टली. आधा ज्ञान, राइट? ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज, व्हेन ही हैजंट रेड द मैनुअल, उसने मैनुअल नहीं पढ़ी थी तो क्या क्या नुकसान हुए, लॉस क्या क्या थे? व्हाट वाज द लॉस? आपने मैनुअल नहीं पढ़ी थी मशीन की, उससे नुकसान क्या हुआ? गुड, द थिंग इज डिस्ट्रॉयड. वो मशीन ही नुकसान हो गई, मशीन लॉस हो गई, मशीन खत्म हो गई. दूसरा, उसको भी इंजरी आई, उसको भी चोट आई, डेडी को भी चोट आई, राइट? यही चीज है. इफ यू डोंट हैव द प्रॉपर मैनुअल्स ऑफ लाइफ, मैनुअल्स फॉर दिस वर्ल्ड, दिक्कत क्या होती है? एक तो इस मशीन को खराब किया हमने, इस प्लैनेट अर्थ को कितना खराब कर दिया,
कैन यू राइट फ्यू थिंग्स इस प्लैनेट को ह्यूमंस ने कितना खराब किया है. जितनी भी 84 लाख स्पीशीज हैं उसमें सबसे ज्यादा किसी ने अगर खराब किया है वो ह्यूमंस ने खराब किया है. यस एंड अप डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग. लास्ट कोविड में यस गुड प्लास्टिक वंडरफुल टर्न द टाइड कटिंग फॉरेस्ट परफेक्ट. और कैसे कैसे हमने डिस्ट्रॉय किया प्लैनेट अर्थ को लेकर के cutting the forest, plastic, urbanizing, soil, ocean, air. Okay, good one. Afforestation, creating new technologies, e-waste, ozone depletion, right? Ozone depletion. Kitni cheez humne kar di. Rising sea levels rising, discharge of industrial wastage in rivers. Right. Space waste, air pollution, sound, global warming, and the list is long. Good one. Everybody is so talented. Good. Very nice. The point is, again, the thing comes up that we have destroyed the nature, we have destroyed the planet, and the second thing is we are destroying ourselves also. अगर मान लो nature को destroy करके हम बच जाएं तो समझ में भी आता है. लेकिन हमने क्या किया? हमने अपने आप को भी नुकसान कर दिया. We are destroying ourselves also. It's a very important point. Very good conclusion. So key to happiness. कहाँ से खुशी मिलेगी? So my dear friend, how the four defect kicks us blind from the truth? Is there any other way? कोई है तरीका? प्रत्यक्ष अनुमान के अलावा जानने का. प्रत्यक्ष अनुमान के अलावा कोई ऐसा तरीका इसके द्वारा हम जान सकते हैं? Yes, there is a way. इसको कहा जाता है शब्द प्रमाण. मतलब आप नॉलेज गेन करिए लेकिन एकदम सही अथॉरिटी से नॉलेज गेन करिए जो उसके बारे में जानती है. अगर मैं अब कुकिंग सीखना चाहता हूँ तो मैं कभी भी किसी एक इंजीनियर के पास जाके नहीं सीखूंगा, एक अच्छे शेफ के पास, कुक के पास जाके सीखूंगा. ऑब्वियसली जो जिस एरिया का एक्सपर्ट है उस एरिया के एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. एक छोटा सा एग्जाम्पल इंजीनियर बुरा ना माने बात का. सो you have to follow that authority system. इसको कहते हैं hearing from bona fide authority. इसको कृष्ण भी गीता में कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु. कृष्ण says in Bhagavad Gita 4.2. Let's see. Now question. How can a child know his father? एक बच्चा कैसे जान सकते हैं अपने पिता के बारे में? What are the most probable ways? Yes. The most observing his habits. Okay. Or कैसे अपने father को जान सकते हैं? What are the way to know his father? Okay. Oh, good one. All of you are intelligent. पूछ के, but किससे पूछ के? My grandmother. Okay. So people, लोग झूठ बोल सकते हैं. पूछ grandfather, my father himself. Okay, good. Actually, the most bona fide authority for a child to know his father is actually his mother. This is a very simple thing, right? उनकी मदर से पूछ करके. अगर उनकी मदर से पूछोगे, she will tell. लेकिन मान लो हम कह लें कि नहीं, अभी हम आपके जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग करेंगे, जीन से चेक करेंगे, हम डीएनए टेस्ट करेंगे. हाँ, कई लोग डीएनए लिख भी रहे हैं. डीएनए से चेक करेंगे who your father is. अब देखोगे, अगर डीएनए सैम्पलिंग भी करते हो आप, देखो आप उसका क्या रिजल्ट निकल के आता है. एक जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग आप करते हो तो 800 साल लगेंगे 200 आदमियों को चेक करने में कि आपके पिताजी कौन है. 200 आदमी. और मान लो आपके पिताजी रहते दूसरे शहर में या रहते देश से बाहर हैं, तो कभी भी आपको वो व्यक्ति तो मिलेगा ही नहीं जीवन में आपके फादर कौन है, है ना? आपके फादर कौन है आपको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए. दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव नॉलेज. इंडक्टिव इसे कहते हैं. इंडक्टिव मीन्स रिसर्च वर्क. अपने बेसिस, अपने लिमिटेड नॉलेज के बेसिस पे पता करना हु इज द सुप्रीम. इज देयर एनी अदर मेथड? यस, वेरी सिंपल मेथड. जस्ट आस्क योर मदर एंड नो हु योर फादर इज. वेरी सिंपल. इफ यू आस्क द मदर, इज देयर. सिमिलरली द वेदास और द बुक्स व्हिच आर गिवन बाय कृष्णा आर आवर मदर. हु कैन टेल अस हु इज आवर गॉड, हु इज द सुप्रीम फादर? वेदास गिव अस जीके. जीके पढ़ाती हैं गॉड नॉलेज, है ना? नॉट ओनली जनरल नॉलेज बट गॉड नॉलेज. ये सब हमें मिलती हैं in books ke madhyam se. Let's see this one. Yes. The Vedas, however, are not as well known for presenting historical and scientific.
scientific knowledge as they are for expounding subtle sciences such as the power of mantras. We all recognize the power of sound itself by its effects, which can be quite dramatic. Here, a high-pitched frequency shatters a drinking glass. So, we can easily understand that loud sounds can produce substantial reactions. It is commonly believed that mantras can carry hidden power, which can in turn produce profound effects. The ancient Vedic literatures are full of descriptions of weapons being called by mantra. For example, many weapons were invoked by mantra during the epic Kurukshetra War, wherein the Bhagavad Gita itself was spoken. The ancient deployment of Brahmastra weapons, equivalent to modern-day nuclear weapons, are described throughout the Vedic literatures. Additionally, mantras carry hidden spiritual power, which can produce significant benefits when chanted properly. Indeed, the Vedas themselves are sound vibrations in literary form and carry a profound message. Okay, so here we see the power of mantras. In mantras, what is the power of mantras? और एक जस्ट एक बहुत ही वैदिक बहुत सिंपल सेंस में बताया था आपको तो क्विकली हमारा एक बज चुका है क्विकली वी आर गोइंग सो ऑथराइज्ड कॉलेजेस अब इस वैदिक प्रोसेस को लर्न कैसे किया जाता है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा इन वैदिक प्रोसेसेस को लर्न करने का तरीका होता है एवरी वैदिक नॉलेज कम्स थ्रू एन ऑथराइज्ड कॉलेज ऐसा नहीं है कि कभी हम गए तो ऑटो वाले भैया से पान वाले भैया से रिक्शे वाले भैया से देखोगे अपने भारत में लोग धर्म की बातें या भगवान की बातें बड़े आसानी से कर लेते हैं किसी के साथ भी और हर आदमी को किसी के बारे में कुछ पता हो चाहे ना पता हो भगवान के बारे में उसका पूरा ज्ञान होता है और वो बता भी देगा आपको भगवान ये है भगवान वो है भगवान ऐसा है भगवान वैसा है और एक्स वाई जेड कितनी सारी चीजें लेकिन कभी भी आप कोई प्रॉपर नॉलेज लेते हैं ना प्रॉपर कॉलेज से पढ़ते हैं प्रॉपर यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं तो सिमिलरली वैदिक प्रोसेस में भी एक प्रॉपर प्रोसेस है इसको कहीं से भी नहीं पढ़ सकते आप कहीं से भी पढ़ेंगे ना सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द कंप्लीट बेनिफिट आउट ऑफ इसको टेक्निकली बोला जाता है परंपरा और संप्रदाय संप्रदाय बोले जाते हैं परंपरा और संप्रदाय दूसरा एक प्रॉपर टीचर होने चाहिए पढ़ाने वाले प्रोफेसर होने चाहिए जिनको कि बहुत आम भाषा में गुरु बोला जाता है राइट और लाइब्रेरी होती है ऑथराइज बुक्स होती हैं तो जैसे टेक्स्ट लाइक भगवद्गीता इन सब वैदिक टेक्स्ट इनसे अगर कोई व्यक्ति भगवान के विषय में बता रहा है और गीता के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा ना आप बहुत सरलता समझ लो ही इज टॉकिंग बोगस इज अ बोगस थिंग बोगस इज टेलिंग Right? हमारे वेदों में ऐसे ऐसे एडवांस नॉलेज है ना जिसके बारे में लोगों को नहीं पता और लोग सोचते हैं कि इट इज ऑल द स्पेकुलेशंस ऑफ द अर्ली मेंस नहीं नहीं सच्चाई है ये सब ऐसे ऐसे ट्रूथ्स हैं लोगों को पता नहीं इसके बारे में विमान शास्त्र ऐसे ऐसे विमान बनाना जानते थे जिसके लिए आपको इतना पेट्रोलियम गैसोलीन एयरपोर्ट ये सब बनाने की आवश्यकता ही नहीं है सीधे छत से लैंड करेगा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट इरवाइन अप्रैल 2017. Aerospace engineer Travis Taylor has obtained a model of an aircraft whose design specifications are based solely on information gleaned from ancient Indian texts that are believed to have been formally set to writing in 500 BC. He is going to subject it to wind tunnel analysis to determine if it is a viable flying machine. The aircraft model, created using details garnered from the ancient Indian texts, has proven to be flight-worthy. Is it possible that by studying the ancient Indian texts, we may be able to recreate advanced technology that existed thousands of years ago in India? Ancient astronaut theorists suggest that the texts may also contain details for advanced spacecraft. Yes, so this is in that regard. So let's see one more very interesting video on this. Undefeatable Vedic predictions. ऐसे Vedic predictions की गई है ना, जिनको कि आप गलत नहीं बोल सकते. ऐसे ऐसे Vedic predictions हैं आज से हजारों साल पहले की. जैसे Lord Buddha, first canto, third chapter, verse number 24, ये भागवतम 5000 साल पहले बोली गई है. और ये Lord Buddha,
आज से रफली अराउंड 2,000-2,500 ईयर्स बिफोर आए, चाणक्य के बारे में लिखा हुआ है श्रीमद् भागवतम में, उसके बाद राजा अशोक के बारे में मेंशन किया हुआ है, इवन जीसस क्राइस्ट के बारे में भविष्य पुराण में आए, देन अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद ऑल्सो इन भविष्य पुराण, देन श्री चैतन्य महाप्रभु इन महाभारत एंड सो मेनी अदर्स. लेट्स सी दिस वन ऑल्सो. The Vedas are amongst the oldest religious scriptures known to mankind and are the source of India's spiritual and cultural heritage. At first glance, the multifaceted culture of the Vedas is a foreign and fascinating mystery to the Western eye. Yet upon deeper examination, we discover a wealth of philosophical, cultural, and social values. India is renowned the world over for the practice of yoga, which increases one's mental and physical strength. However, this is only a fraction of what the Vedas can offer to a progressive global community. India's culinary arts, music, natural medicine, and other sciences are only now becoming known to the West. Conceivably the world's oldest holistic design system, the Vastu Shastra predates and inspired the popular Chinese system of Feng Shui. The design of a temple, house, or workspace has been proven to exert a considerable influence on one's well-being. The Vastu Shastra was compiled specifically to address this concern and offers practical architectural guidelines. This style of sacred architecture has been implemented in the building of India's largest temples for thousands of years. The sculptures adorning these temples reflect the development and accomplishments of one of man's oldest civilizations. They depict the struggles, failures, and successes of the men who made them the center of their lives. The sophisticated Vedic sciences of astrology, astronomy, cosmology, and metaphysics profoundly influenced the Greeks, Babylonians, and even contemporary scientists with their unparalleled knowledge. Ancient Vedic sages presented precise calculations a millennium before Copernicus, Galileo, Newton, and Einstein. This one we see, right? And let's see quickly one more thing. And here, yes. Just one minute. Now the point is, आप सब educated हो, आप सब बहुत पढ़े लिखे हो, but still आप सब बचपन से कई ऐसी चीजें सुनते आए होंगे, जिसको कि आज तक कभी hardly किसी ने question किया होगा. ये एक चीज कहलाती है कि जितने भी वेदास होते हैं, जितने भी पुराण होते हैं, उनको एक term से हम बुलाते हैं. उस term का नाम है mythology, myth, myth. मिथ मतलब झूठा, ये सब झूठा इतिहास है. और जो हम है ना, ओरिजिनली इंडियंस यहाँ की रेस नहीं है. इंडियंस तो एक्चुअली ट्राइबल्स थे, जंगली लोग थे. एक्चुअल सिविलाइजेशन तो वेस्टर्न यूरोप में थी, सेंट्रल यूरोप में. और वहाँ से एक रेस, आर्यन रेस आई थी, जो इंडिया में सेटल अप की थी. इसीलिए आर्यंस आके इंडिया में वेदों को लिखे हैं. मजेदार थ्योरी है ना, सुनिए. Early Indologists wished to control and convert the followers of Vedic culture. Therefore, they widely propagated that the Vedas were simply mythology. Max Müller, perhaps the most well-known early Sanskritist and Indologist, although later in life he glorified the Vedas, initially wrote that the Vedas were worse than savage, and India must be conquered again by education. Its religion is doomed. Thomas Macaulay, who introduced English education into India, wanted to make the residents into a race that was Indian in blood and color, but English in taste, in opinion, in morals, and in intellect. However, the German philosopher Arthur Schopenhauer stated that the Sanskrit understanding of these Indologists was like that of young schoolboys. These early Indologists devised the Aryan invasion theory,
denying India's Vedic past. They taught that the English educational system is superior. They intentionally misinterpreted Sanskrit texts to make the Vedas look primitive. And they systematically tried to make Indians ashamed of their own culture. Thus, the actions of these Indologists seems to indicate that they were motivated by a racial bias. Yes. इसीलिए देखिए आज भी इंडियंस को अपने सभ्यता पे उतना गर्व नहीं होता है. इंडियंस की जो सभ्यता है नहीं होता है. जितने भी हों लोग कहते हैं ना बड़े फख्र से कि कुछ भी हो मेरा पतलून है जापानी, मेरे जूते हैं ये मेरे वो, लेकिन दिल है हिंदुस्तानी. नहीं नहीं, जिसका दिल हिंदुस्तानी होगा वो हिंदुस्तान की हर एक चीज़ को अपनाएगा. हम पतलून बाहर क्यों पहनेंगे, हम जूते बाहर क्यों पहनेंगे. बड़ी सरल सी बात है. मैं मेड इन इंडिया कैंपेन नहीं चला रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, बट आई एम जस्ट ट्रेइंग वन थिंग, बिकॉज हमारे कल्चर को इतना डिग्रेडेड दिखाया गया है, इतना गलत पिक्चराइज किया गया है, जिससे कि वी हार्डली बिलीव दैट हम भारतीय हैं, राइट. लेकिन नहीं, डोंट अंडरस्टैंड, दिस ऑल हैज बीन अ वेरी सीरीज ऑफ प्रोपोगंडा, बहुत ही लंबी सीरीज ऑफ प्रोपोगंडा है जो कि किया गया था वेस्टर्नर्स के द्वारा, खास करके ब्रिटिशर्स के द्वारा, और ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी उसी का एक पार्ट है. सो कभी भी ना, अभी तो हम बहुत नटशेल में ले रहे हैं आपके लिए सारी चीज़ें, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वील हैव मेनी सेशंस विच विल बी हिस्टोरिकल ऑल्सो, हिस्ट्री में आपको लेके जाएंगे डिटेल में, जहाँ पे कि आपको ऐसी चीज़ें बताई जाएंगे. लोगों ने वेदवास को इतना बकवास कैसे बताया है, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बता दी हैं, ऐसी ऐसी बातें बता दी हैं कि वो कहते हैं कि वेदों में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिनको विश्वास नहीं किया जा सकता. जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं कि एक जगह बताते हैं वेदों में कि कभी भी आप किसी जानवर की हड्डी को छू लो, टच कर लो, तो आपको स्नान करना पड़ेगा. लेकिन हम देखते हैं मंदिरों में जो शंख होते हैं वो जानवर की हड्डी है, और शंख बजा करके हम भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, तो क्या हम अपवित्र नहीं हो गए. और तर्क की बात है, लॉजिक की बात है, बिल्कुल सही बात है. सिमिलरली बताते हैं किसी भी जानवर का जो स्टूल होता है, मतलब स्टूल इज लाइक डर्टी थिंग, है ना, मल जो गंदा होता है, उसको अगर आप टच कर लो तो आपको स्नान करना पड़ेगा. तो लेकिन व्हाट वी सी, जो गाय होती है, गाय का जो गोबर होता है वो बहुत प्योर माना जाता है कई चीज़ों में. हम बोले अरे गाय का गोबर कैसे प्योर हो गया, जब जानवर का स्टूल गंदा है तो गाय का गोबर कैसे सही हो गया. अब आप देखो कि वेदों में कई ऐसे वर्जन्स होते हैं जो अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी दिखते हैं ऑब्वियसली, लेकिन इनको एक्जियम्स बोला जाता है. एक्जियम्स, जैसे हम सब साइंस में भी एक्जियम्स पढ़ते हैं. अब अंडर रूट ऑफ माइनस वन एक इमेजिनरी नंबर है, साइंस भी कहती है इमेजिनरी नंबर, नहीं इमेजिनरी नंबर. लेकिन अब इमेजिनरी नंबर क्या है, इतना बड़ा इमेजिनेशन हो सकती है, लेकिन क्या है ये अल्टीमेटली हमारे बड़े बड़े इक्वेशंस को सॉल्व करने में हेल्प करती है. दो ही एक्सियम है लेकिन सही है. इसी प्रकार से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सिमिलरली हम किसी भी एटॉमिक पार्टिकल की एक साथ पोजिशन और मोमेंटम को एक साथ आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल है, अनसर्टेनिटी एक जगह पर, तो ठीक है. लेकिन हम एक्सेप्ट करते हैं, बड़े बड़े हमारे जो क्वांटम में डेवलपमेंट्स हुए हैं इसी चीज़ को पढ़ करके हुए हैं आगे. उसी प्रकार से लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रॉपी, एंट्रॉपी हमेशा जीरो बताई गई है परफेक्ट सिस्टम की, बट ऐसा होता ही नहीं है. एंट्रॉपी कभी भी क्रिस्टलाइन सिस्टम की जीरो नहीं हो सकती. कहने का मतलब है कि एक्जियम्स होते हैं, हर क्षेत्र ऑफ नॉलेज में होते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर परस्पेक्टिव से समझा जाता है. इसी प्रकार से इसी इंस्टीट्यूशन ऑफ वैदिक नॉलेज, वैदिक नॉलेज को अगर लड़की लर्न करना चाहे तो कैसे लर्न करेगा, कहीं से लर्न कर लेंगे, क्या उसका कोई प्रॉपर तरीका है. हाँ, इन सब का प्रॉपर तरीका है. इसको ध्यान समझिएगा, कोई भी वैदिक विजडम ना हम चेन ऑफ आचार्यस और स्पिरिचुअल टीचर्स के थ्रू सीखते हैं. इसीलिए भारत में वैष्णव आचार्यों की, वैष्णव संप्रदाय की चार प्रमुख शाखाएं होती हैं. एक कहलाती श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय. सृष्टि की शुरुआत में सबसे पहले भगवान ने इन्हीं चारों को ज्ञान दिया था, सब्सिक्वेंटली ज्ञान दिया था. इनसे जो संप्रदाय निकल के आया श्री संप्रदाय से, उसके जो सबसे प्रमुख आचार्य थे उनका नाम था रामानुजाचार्य. कभी भी आप तिरुपति जाओगे, तिरुपति टेंपल जाओगे साउथ इंडिया में, तिरुपति बालाजी जाओगे, श्रीरंगम जाओगे, तो वहां पे आपको मेजॉरिटी ऑफ फॉलोअर्स जो दिखेंगे वो श्री संप्रदाय के दिखेंगे, जिनके जो सबसे प्रमुख आचार्य थे उनका नाम था रामानुजाचार्य. उसी प्रकार से ब्रह्म संप्रदाय के जो मुख्य आचार्य थे उनका नाम था मध्वाचार्य, जिनका जन्म प्राकट्य उडुपी में हुआ था कर्नाटका में साउथ इंडिया में. रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, और कुमार संप्रदाय निम्बर्क स्वामी.
अब बात आती है, फिर हम अभी हम सब आ रहे हैं इस्कॉन के सेशंस में आ रहे हैं और मंत्र ऑफ लाइफ सीख रहे हैं, है ना, ये सब चीजें हैं, तो हम लोग किस संप्रदाय में आते हैं? कहीं हम आते हैं किसी संप्रदाय में कि नहीं आते हैं? ये क्वेश्चन आप सबके मन में आना चाहिए, नहीं आएगा तो अंधविश्वास कहलाएगा फिर। यस, बिल्कुल सही सूर्या, हम लोग आते हैं ब्रह्म संप्रदाय में। वी ऑल कम अंडर द लर्निंग्स एंड द टीचिंग्स ऑफ द ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म मध्व संप्रदाय। यस, सो आई एम जस्ट स्किपिंग दिस वीडियो बाय तुलसी गबार्ड, इसको आपको शेयर कर देंगे, यू कैन सी इन योर फ्री टाइम। सो द फाइनली द नॉलेज थी भगवान ने दिया था, दिस वॉज गिवन टू ब्रह्मा एंड भागवतम सेज तेन ब्रह्म हृदय आदि कवे, द वैदिक नॉलेज वाज रिवील्ड बाय द सुप्रीम पर्सन विद इन द हार्ट ऑफ द फर्स्ट क्रिएटेड बीइंग ब्रह्मा। और फिर ये पूरा का पूरा एक चेन के थ्रू, एक चैनल के थ्रू ये प्रकट हुआ है हमारे पास अब तक। और इसके जो सबसे मुख्य सूत्रधार हैं इस साइन के, दैट इज एसी भक्तिवेदांत स्वामी। तो लास्ट वीडियो, देन यू वी हैवंट गॉट टू मैन्युफैक्चर समथिंग, we simply repeat the words and the instruction given by the predecessor. Krishna instructed Brahma, Brahma instructed Narad, Narad instructed Vyasadeva, Vyasadeva instructed Madhyacharya, and in this way then Madhavendra Puri, Ishwar Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu, then the six Goswamis, then the Srinivasa Acharya, Kaviraj Goswami, Narottam Das Thakur, Vishwanath Chakravarti, Jagannath Das Babaji, Bhaktivinoda Thakur, Gaurkishore Das Babaji, Bhakti Siddhanta Saraswati, and then we are doing the same thing. There is no difference. That is the specific procedure of the Krishna consciousness movement. Okay, so बहुत important एक point है, क्योंकि कोई भी ज्ञान आसमान से नहीं टपकता, ध्यान समझिएगा, कोई आसमान से नहीं टपकता, इस ज्ञान को हासिल करना पड़ता है परंपरा के माध्यम से। और व्यासदेव literary incarnation थे जिन्होंने सारे वेदों को लिखा, सारे पुराणों को लिखा। So ये पूरे डिवीजन है, बहुत बड़ा डिवीजन है, श्रुति स्मृति और कैसे कैसे सारे के सारे शास्त्र बटे हुए हैं। सो अ लॉन्ग वे, और फाइनली उसी चीज को सबसे आसान तरीके से बहुत सारी बुक्स के माध्यम से इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने हम सबको दिया, जो कि ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय के बहुत ही प्रमुख आचार्य हैं, जिन्होंने सब चीजें, इस कौन की स्थापना भी श्री प्रभुपाद ने की है। दैट इज देयर। फाइनली स्टोरी वाइंड करते हैं, जहाँ से शुरू की थी कहानी, छह अंधे आदमी और एक वाइज मैन की स्टोरी से शुरू किया था। तो इन अंधे आदमी को सिंपल सी बात है, अगर एक बुद्धिमान आदमी आ करके बता दे कि मेरे भाई हाथी ये चीज होती है, और आप सब एक अलग अलग एस्पेक्ट को टच करके हाथी को समझने की कोशिश कर रहे हो, वो व्यक्ति समझ जाएगा कि हाथी क्या है, अ पार्ट ऑफ अ ट्रुथ एंड द फुल ट्रुथ इन इटसेल्फ। ओके, सो इन समरी, we learned today three ways of getting knowledge: anuman, pratyaksha anuman, shabda praman. Four defects: imperfect senses, synesthetic illusion, commit mistakes, cheating propensity, and mistakes in science, disasters, half knowledge is dangerous. So finally, we shabda praman ke upar discuss kiya, inductive deductive, vedic truth, four sampradayas and branch of vedas. Okay, so this was the team which all has designed the whole course and other things. Okay, so I'll just stop here. And immediately, before we take on question and answer, I would just request Abhishek to share and with all of you a link. What do you have to do with this link? Now try to listen. 5 minutes aur thoda dhyan se suniyega. After this Mantra of Life course, we will be having a more smaller circles, more smaller groups. Jahan pe ki na, we will be having a more close groups. And more one-on-one interactions, because the learning is best when we have a small classes. So big classes also required sometimes, but small classes. So we have specifically facilitators group, or you can say mentors group. So immediately, Abhishek would be sharing with you a link. Okay, you have got the link on your chat box. आपको इस link में जाके सबसे पहले तो एक feedback देना है। आपको मंत्र ऑफ लाइफ कोर्स कैसा लगा, आपने क्या लर्न किया, छोटे छोटे क्वेश्चन है दो तीन,
आप उसको आंसर करिएगा और अपनी डिटेल्स भी उसमें दीजिएगा, बिकॉज आफ्टर दिस ना वी वुड बी फॉर्मिंग दोज ग्रुप्स और फिर हम इंडिविजुअली आप सबको उस ग्रुप में ऐड करेंगे और मैसेज डालेंगे एंड देन यू विल बी गेटिंग डिफरेंट कोर्सेज रिलेटेड विद दैट ग्रुप. ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग. सो मेरा रिक्वेस्ट है विल टेक 3 to 4 minutes. आप सब फटाफट इस लिंक को खोलिए, सभी लोग, कितने लोग हैं, सब लोग इस लिंक को खोलिए और इसको भरिए. You fill it up till the time I am just preparing, just bringing out one more PPT I have to show you. Us PPT ko main dikhata hu aapko and then we will tell you what are the future aspects of being in IYF. Okay, I'm just showing you. Till the time aap sab fatafat kya kariye, us Google form pe jaake usko bhariye. Okay, do it quickly. So you have to fill it. आराम से भरिएगा. डिटेल्स हमें बहुत जरूरत है उसकी. डिटेल्स को आराम से भरिएगा. Because all of you have attended the Mantra of Life sessions, and we would be giving you the certificates also along with that. So just you fill those details correctly. ओके प्लीज एक बार और भेज दीजिए, वन मोर मेरी स्टूडेंट्स उनको फिर से एक लिंक, वन मोर टाइम. यस, सो वन मोर लिंक, वन मोर टाइम. ओके, गुड गुड. सो आई एम गिविंग यू टाइम अगेन, थोड़ा सा मैं आप लोग एक दो मिनट और देता हूँ. जस्ट कंप्लीट इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, you haven't attended the previous sessions. Okay, you can just see our videos on the YouTube. Sare recordings hamari wahan pe hain. You can see Nandini. Details of work means if you are a student, you can tell about your college, which year you are in, kya studies kar rahe hain aap. If you are a working person, you can mention about your occupation, profession, school mein hai to kis class mein, or that is a detail.